लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। कोई भी मतदाता मतदान करने से ना चूक सके, सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त हो सके, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह अपनी देखरेख में लगातार लोकसभा चुनावी संबंधित कार्यों को संपन्न कराने में जुटे हैं। इस कड़ी में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने तहसील सदर के सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बीएलओ 5 दिन के अंदर प्रत्येक मतदाता को मतदाता पर्ची उपलब्ध कराएं। कहीं पर भी मतदाता पर्ची अवशेष रहा तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। डीएम के द्वारा कहा गया कि सुपरवाइजर्स के माध्यम से लगातार पर्यवेक्षण उप जिलाधिकारी और तहसीलदार करते रहेंगे। मतदाता पर्ची वितरण के दौरान शिफ्टेड मतदाता पूर्व प्रवास स्थान पर नहीं रह रहे वोटर्स को भी चिन्हित किया जाए। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सभी बीएलओ को पर्ची वितरित की। अब ये सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं को वोटर पर्चियां वितरित करेंगे, जिससे कि मतदाता 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाता केंद्र तक पहुंचकर मतदाता वोट कर सके।